कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं एंड मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो आज मैं बना रही हूँ नूडल्स चाउमीन। सो सोचा आपसे शेयर करूँ रेसिपी, और बहुत अच्छी बनती है, एकदम मार्केट की तरह ही बनती है। और ये मैंने एक गंज में ले लिया है पानी, और उसमें सॉल्ट डाल दिया है और ऑयल डाल के, और उसको बॉयल होने रख दिया है। और अब मैं चाउमीन खोल रही हूँ और उसमें डालूँगी 2 लेयर चाउमीन। 4 लोग के लिए 2 लेयर सफिशियंट है, और 2 बचा रहेगा बाकी। ये देखिए, ये 1 डाल दी थी और 2 लेयर डाल रही हूँ चाउमीन की। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली ही बनाना है, मार्केट की तरह ही बनेगा बिल्कुल। और मैं आपको दिखाते जाऊंगी किस तरीके से बनाना है, और आप प्लीज़ चाहें बनाएं तो सेम ही बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी इससे। और देखिए, इसमें मैंने सॉल्ट डाला है और ऑयल डाला है बस, और ये बॉयल होने मैंने रख दिया है और कुछ भी नहीं किया है। ये देखिए, ये होने लगी है, इसको तोड़ना वगैरह भी नहीं है, डायरेक्ट बस रैप से निकाल के और वाटर में डालना है। और काफ़ी टेस्टी और अच्छी बनती है, और एकदम जैसे अपन लोग को मार्केट की जो अपन चाउमीन खाते हैं और जो खुशबू आती है एकदम खींचे चले जाते हैं, वैसे ही बिल्कुल खुशबू आएगी, क्योंकि इसको तेज आंच में बनाना पड़ता है, तो ही आपको वो मार्केट जैसा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल हो चुकी है, हल्की सी बाकी है, वो वैसे ही हो जाएगी, बस मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ। ये हो चुकी है और वो खुद ही इतनी गर्म होती है कि पक जाएगी, और उसके बाद इसको मैंने बर्फ़ वाले पानी से, चाहे तो बिल्कुल ठंडे चिल पानी से इसको छानने के बाद वॉश कर लेना है। अगर आपके पास बर्फ़ वाला पानी नहीं है तो नॉर्मल पानी से ही कर लेना है, और उसके बाद अच्छे से पानी जब पूरा निकल जाए तो इसको बड़े कुछ बर्तन में रख के, और इसमें हल्का सा ऑयल डाल के, और इस तरीके से फैला के रख देना है। चाउमीन को तुरंत नहीं डालना है, जैसे अपन ने इसको ड्रेन किए और सब्जियां वगैरह रेडी करके तुरंत नहीं डालना है, इसको थोड़ा सा रेस्ट करने बाहर देना है, जिससे एकदम जैसे मार्केट में होता है ना कि पहले से रखी रहती फिर बनाते हैं वैसे। और ये मैंने कैबेज ले लिया था, कैप्सिकम ले लिया है, चिलीज़ और कैरोट ले लिया है, थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है। ये है सोया सॉस, जो सबसे इम्पोर्टेंट लगेगा, विनेगर है, वाइट विनेगर, और चिली सॉस आप चाहें तो अपने हिसाब से, और ये टोमेटो केचप है, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं क्या क्या डालना है। मोस्टली तो यही चीज़ें डलती है ज़्यादातर, चिली सॉस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि मैं खड़ी चिली भी हाफ कट 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 करके डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी रहता है तभी टेस्ट आता है। और इसमें डलेगा काफ़ी सारा जिंजर, लहसुन डलेगा फाइन बारीक चॉप लहसुन, क्योंकि इसका फ्लेवर अमेजिंग, बहुत टेस्टी रहता है इसका फ्लेवर। तो इसको मैं हल्का सा, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, तो इसमें इसको हल्का सा मैं ब्राउन होने तक सॉटे करूँगी, जिससे कि इसकी जो इस खुशबू है एक चाउमीन में एक अलग टेस्ट और एंड फ्लेवर देती है, सो अमेजिंग। तो मैं इसको थोड़े से, ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, और इसमें अब मैं कैरोट डालूंगी, और फिर कैप्सिकम और कैबेज, सभी सब्जियां वेज डालूंगी। थोड़ा सा कैरोट हार्ड होते हैं, आप चाहें तो पहले ही सॉटे कर लीजिए इसको, बट मैं तो साथ में ही डाल दी हूँ, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको, सॉरी मीडियम में नहीं, इसको बिल्कुल हाई फ्लेम में बनाना है, जब तक इसमें एक खुशबू ना आने लगे सारी सब्जियों की, और रो स्मेल ख़त्म होके एकदम चाउमीन के फ्लेवर की खुशबू आने लगती है। तो इसको मैं इसलिए चलाते रह रही हूँ क्योंकि इसको मैंने की हूँ हाई फ्लेम में, और चाउमीन कभी भी हाई फ्लेम में बनती है, और बनती है बड़ी सी कढ़ाई जर्मन की, ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है, क्योंकि मैं जर्मन वाली कढ़ाई लेके नहीं आई हूँ यहाँ पर गोंदिया में। सो मेरे काफ़ी बर्तन आपको बताया था नागपुर में है, तो मुझे ये नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनाना पड़ रहा है, नहीं तो मेरे पास है बड़ी सी, तो जिसमें मैं बनाती हूँ, बहुत मज़ा आता है उसमें बनाने में मुझे। और काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, बच्चे और इनको पसंद है, तो मैंने सोचा इस बार अब बनाती हूँ करके, इन लोग का मन कर रहा था। ये देखिए ये, और आप चाहें तो इसमें येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, अगर अवेलेबल हो आपके पास तो ये सब भी डाल सकते हैं, काफ़ी टेस्ट आता है। और ग्रीन वो जो होती है ना हरी प्याज,
के सामने वाली जो हिस्सा होता है वो भी आप चॉप करके डाल सकते हैं इसमें बारीक बारीक लास्ट में। ये देखिए ये बिल्कुल होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है और थोड़ा सा क्रंची रखना है अपन को, बिल्कुल नहीं इसको फ्राई करना, हल्का सा क्रंच आए खाने में वैसे रखना है सारी सब्जियों को। और ये मैंने 2 टीस्पून सोया सॉस डाली हूँ क्योंकि सोया सॉस से कलर आता है और टेस्ट टेक्सचर आता है, तो मैंने 2 स्पून डाली क्योंकि 2 लेयर मैंने डाली थी। और 1 टीस्पून डाली हूँ इसमें विनेगर और 2 टीस्पून डाली हूँ चिली सॉस के, 1 टीस्पून विनेगर क्योंकि काफ़ी खट्टा होता है इस हिसाब से। और ये मैंने डाली हूँ 2 टीस्पून केचप डाली क्योंकि अपन बाद में भी ऊपर से जिसको चाहिए, और अभी मैंने 2 टीस्पून डाल दी हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं केचप। और इसमें हल्का सा सॉल्ट डाल दी हूँ मैंने। और ये देखिए ये मैंने चाउमीन इसमें मिक्स कर दी अच्छे से, ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, अलग अलग थी और इसमें मैंने मिक्स कर दी हूँ चाउमीन को। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है और ये आपको मार्केट का फ्लेवर ही देगा। और साथ ही जो लहसुन मैंने जो हल्का सा गोल्डन ब्राउन की स्टार्टिंग में भुनी हूँ, उसका जो फ्लेवर है बहुत टेस्टी आएगा आपको चाउमीन में, खाने में एकदम मज़ा आ जाएगा खा के। और ये देखिए ये मैं अब सॉटे कर लेती हूँ और उसको करके आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितने, और वो काफ़ी अच्छी दिख भी रही थी लुक में और माशाल्लाह खाने में भी बहुत बहुत टेस्टी लगी। और मतलब हाँ, मेरे हस्बैंड को तो खाना नहीं था ज़्यादा ये, लेकिन उन्होंने भी इतने शौक से खाया चाउमीन और मतलब सभी ने तारीफ़ की कि बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा एकदम मार्केट से कंपेयर करें तो उससे भी अच्छी, क्योंकि इसमें लहसुन का फ्लेवर आ रहा था। सो अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग लुक, बहुत सुंदर। और ये देखिए मैंने क्योंकि आप मैंने लकड़ी वाले स्पून से इसको की हूँ तो इस वजह से ये टूटी नहीं है, आप जब भी इनको इसको चलाएं तो बहुत हल्के हैंड से और बहुत अच्छे से, और मैंने बहुत तेज़ आंच में इसको पकाई हूँ काफ़ी, इसलिए मुझे इतना स्पून चलाना पड़ा, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच में पकाते हैं तो आपको स्पून चलाना ही पड़ेगा। ये देखिए ये रेडी हो चुकी है, देखिए मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ये देखिए और ये रेडी हो चुकी है। और अब मैं ये केचप डाल के, और ये रही नज्जू की प्लेट रेडी मैं इनकी रेडी कर दी हूँ, बच्चों की भी कर देती हूँ और ये ले जाऊंगी। और काफ़ी मतलब इसके जो सब्जियां डली हैं कैप्सिकम कैरोट और कैबेज, उसका टेस्ट एकदम क्रंच आ रहा था, नायमा नहीं खाती बट उसने भी खाया है उसको, बहुत मज़ा आ रहा था उसको खाने में और इतना यम टेस्टी लगा कि सोचे नहीं थे। और मैं नॉर्मली ही बनाई थी और मैंने जैसा बनाई हूँ आप भी इंशाल्लाह वैसे बनाने की कोशिश करिए, वैसा ही सेम अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनेगी और ये सिखा है दूर हो जाएगी कि हमसे चाउमीन बनाना नहीं आता है। कुछ नहीं है, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स है जो मैं बताई हूँ आपको, उसी हिसाब से आप डालिए और बनाइए, बहुत टेस्टी बनेगा। चिली थोड़ा तेज रखिएगा क्योंकि उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखिए ये सब आराम फरमा रहे थे, मतलब ऑर्डर किए चाउमीन का मैंने बनाया और ये देखिए मोबाइल देखते हुए सब अपने आराम फरमा रहे, नज्जू तो सॉन्ग गा रहे थे, गाते हुए वो चाउमीन का मज़ा ले रहे थे, बाहर बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था और हम सब मिल बैठ के खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और माशाल्लाह इतना लजीज टेस्ट था चाउमीन का, बहुत अच्छा, तो एकदम मज़ा आ गया खा के और बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।